जिसमें 22 लाख हमारी हिंदू बहनें हैं, 2 लाख मुस्लिम बहनें हैं, 90,000 ईसाई हैं। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मिस्टर मोदी के और उनकी हुकूमत को चैलेंज किया, आप यह कानून लाओ, ऐसे शहरों को जेल में डालो, मगर नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि गुजरात की भाभी से कौन इंसाफ करेगा। मैं तो लिख दिया इलेक्शन के फॉर्म में कि मेरी बीवी है मगर मेरे घर में नहीं है। बीवी है तो घर में रहना चाहिए, बीवी है तो घर की रानी रहना चाहिए, बीवी है तो घर में मरत जाए तो उसकी आवाज खत्म हो जाए। वो होता ही नहीं, वो कुछ तो करो, कुछ भी नहीं करेंगे क्या करेंगे फिर? गाली बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अजीज दोस्तों, ये सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते, सिर्फ बोलते रहते। और हैरत अंगेज बात तो ये है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ यकीनन हम कहते हैं गुनाह है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मौलाना उमरैन की मौजूदगी में कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक ट्रिपल तलाक या तलाक बिदत से देता है तो उसका समाजी बायकॉट किया जाए। और मैं औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर आपसे अर्ज कर रहा हूं, उलमाए कराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान औरंगाबाद या महाराष्ट्र में अपनी बीवी को तलाक बिदत के जरिए ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक देता है तो आप उसका समाजी बायकॉट करेंगे, आप करेंगे उसका समाजी बायकॉट। वो गंडा है कि इस्लाम मुसलमान औरतों को इंसाफ नहीं करते। रात में 9 बजते ही हफ्ते में 4 दिन तो सिर्फ मुसलमान टीवी पे आता है, 9 बजते हैं तो हर चैनल पर मुसलमान, यानी इनका टीवी वालों को बिकता नहीं है बगैर हमारे नाम के। हमारा नाम आया तो लोग देखते अब क्या करने वाले। मेरे भाई, ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मैं उन प्रोपोगंडा करने वालों से, हिंदुस्तान के वजीर आजम के उनके चेलों से जो उनकी तारीख में रोज बाजा बजाते हैं, शाम 9 बजे से रात 11 बजे तक, उनको ऐसा लगता है कि जब तक मोदी भजन नहीं करे उनको सुबह में कुछ साफ साफ नहीं होता। हम उनसे पूछना चाह रहे, दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब है जिसने 1400 साल पहले औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया? बता दो आप, बताओ आप, आपके पास रिकॉर्ड है तो बताओ, किसने कहा था? दुनिया का ऐसा कौन सा फिलासफर है बताओ जिसने ये बात कही है? हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बच्चियां जन्नत की खुशबू हैं। बताओ आप, किसने कहा था? आपके पास है तो बताओ, किसने कहा था कि अगर कोई मां अपनी 3 बच्चियों की शादी करेगी, उनको नेक बनाएगी तो जन्नत में जाएगी? उलमाए कराम बैठे हैं और जन्नत कोई बच्चों का खेल नहीं है, कैसे ही मिल जाएगी? कांटों की वादियों से गुजरना पड़ता है, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ता है जन्नत के लिए, तलवारों के नीचे अपनी गर्दन को खत्म कटा देना पड़ता है जन्नत के लिए, आंसुओं को बहाकर जन्नत को हासिल करना पड़ता है, अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ता है तो जब जन्नत मिलती है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो मां अपने 3 बच्चों की शादी कराएगी अल्लाह उसको जन्नत से नवाज दे। मैं अपनी मां और बहनों की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम में बहनों का बहुत बड़ा रोल है
और मैं अपनी उन इज्जतदार बहनों से कह रहा हूं कि आज तुम्हारा दीवाना भाई तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे भीख मांग रहा है कि क्या तुम आज दीन इस्लाम के तहफ्फुज के लिए हज इस दीवाने का साथ दोगी या नहीं दोगी। मैं तुमको वास्ता दे रहा हूं उस बहन का जिसने कर्बला के मैदान में अपने भाई का दामन भी नहीं छोड़ा, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, वो ज़ैनब सुग़रा थी जिसने एक बहन का हक अदा किया अपने भाई के लिए, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन के लिए। मेरी बहनों, अपने भाइयों के हक के लिए आज आपको साथ ठहरना पड़ेगा। दीन इस्लाम इस बात की भी आपको पैगाम देता और ये लोग बार बार यही प्रोपेगेंडा करते रहती है कि इसमें इंसाफ नहीं हुआ, उसमें वो नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सब झूठ पर वो बनी है। किसने कहा था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया में मुझे सिर्फ दो ही चीजें पसंद है, एक खुशबू और एक नेक औरत। अगर हम अतर लगाकर मस्जिद को जाते हैं तो पूरे माहौल में खुशबू पहुंचती है, माहौल फ्रेश हो जाता है। और एक नेक औरत जब किसी घर में जाती है तो पूरे नेक नहीं है। और मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों की मौजूदगी में अर्ज करना हूं कि शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम कैसे बने? शेख अब्दुल कादर जिलानी की माँ कौन थी? शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी थी। वो मशहूर वाकया जिसका मैं जिक्र, बहुत लंबा वाकया है। क्या कहा था हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने शेख, क्या कहा था उनसे? कहा था कि मेरी बेटी से अब करना है तो मेरी बेटी नादीना है, लंगड़ी है, इसलिए कि वो कभी खिलाफ शरीयत कदम नहीं उठाया, इसने खिलाफ शरीयत कोई नजारा नहीं देखा। ये ऐसी माएं थी जिनकी कोख से अल्लाह ने शेख अब्दुल कादर जिलानी को पैदा किया। अपनी औलाद को तरबियत दो, अपनी औलाद को नेक बनाओ। अब तो माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर बाप बीमार पड़ता है तो बेटा सोचता है कि अब्बा अगर गुल हो गए तो जायदाद का क्या होगा। मेरे पास कई किस्से हैं, मेरे पास लोग आके कहते हैं कि साहब अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, अगर इंतकाल हो गया तो क्या होगा प्रॉपर्टी का? अब्बा बीमार है, अम्मा बीमार है, और औलाद को उनकी फिक्र नहीं है कि वो जो जायदाद थोड़ी बहुत या बड़ी है उसका क्या होगा। कभी तुम ये भी सोचते कि तुमने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को? रिवायतों में आया सुनो, रिवायतों में आया सुनो मेरी इस बात को कि अल्लाह ने एक शख्स के ताल्लुक से फरिश्तों को दिया, ले जाकर जहन्नम में डाल दो इसको। फिर 6 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा फरिश्तों से कहा कि उसको निकाल कर जन्नत में डाल दो। फरिश्तों ने हुकुम की तामील की और कहा, या रब्बुल आलमीन, हम तेरा हर हुकुम मानते हैं, इसने 6 साल जहन्नम में गुजार कर कौन सी नेकी की जो आज तो उसको जन्नत में डाल दिया? तो अल्लाह ने कहा कि जब तुमने इसकी रूह कब्ज की थी, इसकी बीवी हामिला थी, इसके घर में औलाद हुई और वो औलाद 6 साल की हो गई और उस औलाद ने कुरान करीम पर उंगली रखकर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि जो मेरा बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जिसने मुझे सबसे बड़ा रहमान माना, मेहरबान माना, मुझे गीरत आती है उसकी औलाद उसके बाप को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह ने उसको निकालवा दिया जहन्नम से, कहा जन्नत में डाल दो। अपनी औलाद को इस तरह की तरबियत दो कि जब तुम बीमार पड़े हो तो औलाद को तुम्हारी फिक्र हो, जब तुम्हारे जिस्म की आखिरी सांसें हो तो सूरह यासीन पढ़े, कुरान पढ़े, ना के ये पूछे कि जरा कहां क्या करना, बहन को हिस्सा देना नहीं देना। और याद रखो, बहनों को हिस्सा देना जरूरी है,
अखियारों में कन्या दान है हमारे पास नहीं है, अखियारों में बहन की कॉन्सेप्ट का बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं है, इस्लाम में है देना जरूरी। पर गोलियां चलाई गई, जिस्मों पर लाठियां मारी गई, झूठे दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में उनको सड़ाया गया, हमने सबर किया, हमने मुल्क की अमन और यकजहती के लिए पूरा तआवुन किया, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। मगर हिंदुस्तान की इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से सऊदी ओवैसी ये अर्ज कर रहा है कि याद रखो, हमारे लिए ईमान पहले है और जिंदगी बाद में है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने ईमान के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हमारे लिए ईमान पहले है और जिंदगी बाद में है। ये मुल्क हमारा है मिस्टर मोदी, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क मुसलमानों का है मिस्टर मोदी, ये मुल्क देवबंदियों का है, ये मुल्क बरेलियों का है मिस्टर मोदी, ये मुल्क अहले हदीस का है मोदी, ये मुल्क सूफियों का है मिस्टर मोदी, ये मुल्क तबलीगियों का है मिस्टर मोदी, ये मुल्क शियाओं का है मिस्टर मोदी, ये मुल्क हमारा है मिस्टर मोदी, इसलिए हमारा है कि हमारे अब्बा जान सारी दुनिया के बाप हजरत आदम अगर पहला कदम दुनिया में रखे तो भारत में रखे, इसलिए कि हमारे बाप का मुल्क है। ये अब्बा जान का मुल्क है और बाप की जायदाद बाप के बाद बेटे को मिलता है। मिस्टर मोदी इस मुल्क की हवाओं से हमको मोहब्बत है, इसलिए है क्योंकि मदीने के आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की हवाएं पसंद आती। मिस्टर मोदी मुसलमान को हिंदुस्तान की मट्टी से मोहब्बत थी और रहेगी, मिस्टर मोदी मुसलमान को हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत है और रहेगी, मिस्टर मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस मुल्क की हवाओं से मोहब्बत है, और सबसे ज्यादा मिस्टर मोदी जिसको आप 1200 साल की गुलामी कहते हैं, उस 1200 साल की हुकूमत पर मुझे नाज है, पता रहे, क्योंकि इसमें मेरी हुकूमत थी और रहेगी इंशाल्लाह। मिस्टर मोदी हमको हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के गम से हम उसके गम में शामिल है, चाहे वो हमारे दलित भाइयों का गम हो, चाहे हमारी बहनों का गम हो, ये हमारा गम है मिस्टर मोदी, ये मुल्क का गम हमारा गम है। और हिंदुस्तान के वजीर आजम को समझना चाहिए कि आज आप बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, दो टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए, एक टीवी चैनल वाले बेचारे इतना डरते उनसे सवाल करने के लिए, मैं देखा टीवी पे तो ऐसा डर रहे, ऐसा बैठे हुए कुर्सी पे, अरे अच्छा बैठो, आप मुल्क के सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें क्या है, उन्हें वजीर आजम है, आज है कल जाता, तुम्हारा तो 9 बजे का बाजा बजते रहेगा ना बाबा। तो एक बड़े सहाफी ने इंटरव्यू में सवाल पूछा, मिस्टर मोदी आप इतने बुढ़े हो गए मगर इतनी ताकत कैसे आ गई? अब मैं क्या बोलूं इससे, एक बार बोला था हैदराबाद में बहुत गालियां दिए मेरे, मगर आप सोचिए सवाल देखिए, वक्त नहीं है, सुनो सुनो, 17 मेरे ख्याल से 17 फरवरी को अकबर साहब आ रहे हैं, उन्हें बोलेंगे, सुनो आप अंदाजा लगाइए कि एक जर्नलिस्ट है और ये सवाल कर रहे हैं, अजीब और गरीब बात। फिर एक सवाल उन्होंने पूछा है नौकरियों का, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या मिसाल दिए मालूम आपको, ये हमारी रोड पे पकौड़ा बेचने वाली बन गई है, क्या ये सही है? नहीं पूछ सकते। और मैं आज आपकी गैरत को ललकारने के लिए
और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक पिक्चर जिसमें राजपूतों के महारानी के बारे में कुछ खराब दिखाया गया तो हिंदुस्तान के 4% राजपूत खड़े हो गए और कहा कि पिक्चर रिलीज होने नहीं देंगे, बंद कर देंगे, थिएटरों को जला देंगे, उस डायरेक्टर की गर्दन काट देंगे, एक्टर की नाक काट देंगे। और मिस्टर मोदी ने क्या किया, एक कमेटी बना दी और कहा कि बैठ के देखो और इसमें इन लोगों की जो शिकायत है, जो तकलीफ है, उसको दूर कर दो। कमेटी बनी, वो पिक्चर का नाम बदल दिया गया, उसमें से सीन काट दिए गए। हद तो ये हो गई नौजवानों कि एक पिक्चर अखबार में रिपोर्ट किया कि एक सीन में एक औरत का जिस्म का कोई हिस्सा दिख रहा था तो राजपूतों को तकलीफ हुई कि अपनी रानी का जिस्म कैसा दिखेगा, तो कंप्यूटर एनालिस के जरिए उसके जिस्म को ढाक दिया गया। वो 4% है और आप 14% है। नहीं मेरे दोस्तों, चीखा मारने के लिए नहीं, मैं तुमको आंसू बहाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि देखो जिसके पास ताकत है, जिन्होंने 4% होते हुए अपनी बात को मनवा लिया, जो 14% है आज हम इनसे बेबस हो चुके हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम एक पिक्चर के लिए मुशावरती कमेटी बना सकते हैं मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत के ऊपर एक कमेटी नहीं बना सकते। नौजवानों, इसके बाद भी तुम जाकर अगर अपने आप को 2 घंटे की और चाहे कोई पिक्चर हो देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अख्तियार है, जमहूरियत है। मगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि देखो उनकी ताकत का अंदाजा लगाओ कि उन्होंने एक पिक्चर को नाम बदलवा दिया और हिंदुस्तान के वजीर आजम उनकी तायीद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बेबसी कब थी हमारी? पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो मंजर देखा मैं, ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर का दोबारा नजारा मेरे सामने हो रहा है कि मेरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। 23 मुस्लिम अराकीन पार्लियामान है और उसमें से सिर्फ 4 आवाज उठाते हैं, बाकी के मुंह नहीं खोल सकते, इसलिए कि उनकी पार्टी ने कह दिया कि मुंह नहीं खोलना, अगर खोलोगे तो दोबारा तुम पार्लियामेंट को नहीं आओगे। ये हम इतने बेबस हैं, जिस वतन को हमने अपना खून देकर आजाद किया, जिस वतन को हमने अपना हर चीज दे दिया, आज हमारे लिए, हमारे इंसाफ के लिए कोई नहीं उठता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम MPs को ईमेल भिजाया, मैंने जितना हो सकता था हर सेकुलर पार्टी के MPs उनके लीडरों के पास जाकर कहा देखो ये गलत है, ये गलत है। हिंदुस्तान की पंचायत है, वहां पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, ये कानून गलत बनाया जा रहा है। मेरे भाई, बस एक ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अगर उस ऐवान में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया कोई परवाह नहीं, मगर हशर के मैदान में या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हमको तो उस दिन अकेला मत छोड़ दे। आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जय्यद उलमाए किराम रो रो कर तकारीफ उठा जाकर हर एक के पास जाकर कह रहे भाई ये गलत है, गलत है। इस दिन के लिए हमको, जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया, और हमारा क्या है मुतालबा कि हमारी शरीयत है, ये हमारी शरीयत है, छोड़ दो आप, ये गलती है, हम खत्म करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। आज जिम्मेदारों के सामने कह रहा हूं, जो लोग कल तक बोलते थे ना एक MP से क्या होगा, 2 MLA से क्या होगा, मुसलमानों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक नई सियासी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा कि रिवायती सियासत खत्म हो चुकी है। रिवायती सियासत में हम समझते थे कि एक बूढ़ी पार्टी हमारा साथ देगी, नहीं देगी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका हिंदुत्व की तरफ जा चुका है। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो,
इस ग्राउंड पर मेरी ये पहली तकरीर नहीं है, मेरा ये पहला जुमला नहीं है। हर तकरीर में मैंने तुम्हारे सामने चीखे मार मार कर अपना कलेजा फाड़ कर अपने जज्बात को तुम्हारे कदमों में रखा हूं कि अपनी आवाज को पैदा करो। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तुम्हारे कम से कम 10 MP होते, वो 10 के 10 क्या कर सकते, समझो तुम मेरी बात। मिले हैं जिसमें से कितने मुसलमान हैं इनके पास, सिर्फ 4 मुस्लिम MLA हैं, और ये मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन हुआ, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ये भी कहता है कि 1980 में गुजरात की असेंबली में 6% मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, अब परसों जो इलेक्शन हुआ उसमें खाली 1.6 है। कौन से ख्वाब में आप रह रहे हैं? ये सेकुलर चलाकर रोक नहीं सकते आप। क्या हुआ गुजरात में? जनाधारों की पॉलिटिक्स पुरानी पार्टी कर रही है, हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? सेकुलरिज्म का बाजा बजा रहे हैं। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, जागो मेरे भाई, जागो, जागो, जिंदा हो अगर तो जागो। मैं अपने दलित भाइयों से कह रहा हूं कि तुमको जागना पड़ेगा। रोहित वेमुला की मौत के बाद हिंदुस्तान का दलित नहीं जागेगा तो फिर क्या फायदा? कोरेगांव भीमगांव के बाद मेरा दलित नहीं जागेगा तो फिर क्या फायदा? दलितों, अगर तुम्हारे पास अंबेडकर की इतनी मोहब्बत है तो जागो, उठो। अगर तुम इसी तरह सोते पड़े रहोगे तो फिर तुम में और मुर्दों में कोई फर्क नहीं है। मुसलमानों जागो, उठो, अपने हकूक को पहचानो, अपने हकूक को जानो, उनको हासिल करो। अगर आप यही काबे गफलत में रहेंगे, दुनिया तुमको ठोकरे मार कर जगा रही है, दुनिया तुमको मार कर जगा रही है, मगर तुम उठने का नाम नहीं लेते। इखलाक की रूह तुमको पुकार कर कह रही है गय्यूर औरंगाबाद की आवाम के जागो। हाफिज जुनैद, शहीद हाफिज जुनैद की रूह तुमको पुकार कर कह रही है, जिसको ट्रेन के डब्बे में चाकों से मार कर शहीद कर दिया गया, जागो। पीरू खान की रूह तुमको पुकार कर कह रही है कि जागो। इखलाक की मां, जुनैद की मां, पीरू खान की बीवी हमारी मां और बहनों से कह रही है कि जागो, जागो, जागो। मैं बेवा हो गई, मेरे औलाद यतीम हो गए, तो क्या हमारी मां और बहने जागेंगे या नहीं जागेंगे? उमर मोहम्मद की बेवा इन मां और बहनों से पुकार कर कह रही है कि उठो, पहचानो दुश्मन को। अगर हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान नहीं जागेगा तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी वो भारत मुक्त पार्टी नहीं, मुस्लिम मुक्त भारत करना चाहती है। RSS दलित मुक्त भारत करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि जानते हैं कि दलित और मुसलमान जिंदा है, और संघ परिवार की आइडियोलॉजी, गोलवालकर की आइडियोलॉजी, हेडेवर की आइडियोलॉजी, सावरकर की आइडियोलॉजी ये चाहती है कि हमको हिंदुत्व में ढांक दिया जाए। तो दलित और मुसलमान को उठना पड़ेगा। हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक जिंदा रहेंगे तौहीद को मानने वाले हैं। हम लड़ते रहेंगे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से, ये हमारा जमहूरी हक है। और महाराष्ट्र की सरकार, मिस्टर मोदी, वो क्या नाम है उसका, एक नाथ शिंदे बोले, क्या है उसका नाम, क्या नाम है उसका, बोले हिंदे, और दूसरे का नाम क्या है, एक बोटे भिंदे। मिस्टर मोदी आपके सज्जे हैं क्या? बैठो भी देवा, बैठो, बोल बोले हुआ बोल के, अभी 4 मिनट बाकी है, बैठो। क्यों नहीं पकड़ते एकनाथ बोडे को, भिंडे को? क्यों आपकी क्या मोहब्बत है मिस्टर मोदी इन लोगों से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हम दलितों, हमारे दलित भाइयों से भी कहना चाह रहे हैं कि आपका गरीब भाई आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि हरकल के दरबार में सहाबी रसूल को लाया गया था, जंजीरें हाथ में थी और बादशाह ने कहा कि तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं है, तुम फाका कशी के आलम में हो, मैं तुमको अपनी बादशाहत में हिस्सा दूंगा। तो साहबी रसूल ने पूछा कि तेरी बादशाहत कितनी है? उसने कहा दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पास है। उस साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया सुनो, उन्होंने जवाब दिया कि भरकल के बादशाह, अगर पूरी दुनिया पर तेरा इख्तदार होता और तू मुझसे कहता कि जब अज़ा में अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह ना सुनो, तो मुझे ये भी गवारा नहीं है कि मैं अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह ना सुनो, मैं तेरे इस ऑफर को ठुकराता हूं। ये हमारे सहाबी रसूल थे, ये हमारे बुजुर्ग थे। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं, वो जाके पिक्चर देखेंगे। तुम्हारे पास अगर पैसे है ना, अपनी अम्मा को मिठाई लेके आओ। तुम्हारे पास पैसे है तो अपनी बहन के लिए करो, अपनी बीवी के लिए करो। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जाकर बैठ जाऊंगा भाई, आप बात करिए। हमारे मुल्क में 2005 से 2015 तक सिर्फ जहेज के नाम पर 88,467 खवातीन की अमवात हुई, यानी रोज 22 खवातीन की मौत हुई है सिर्फ जहेज के नाम पर। हमने कानून बना दिया। 2016 में 1,355 खवातीन की मौत हुई है जहेज के नाम पर, हमने डाउरी एक्ट बना दिया। हमारे मुल्क में बच्चों की शादी का कानून बनाया। 2011 का सेंसस कहता है कि 1 करोड़ गैर मुस्लिम बच्चों की शादियां हुई हैं, हमने कानून बना दिया। हम ये बता रहे हैं, मैं बात इसलिए आपके सामने कर रहा हूं ताकि वो सरकार जो कान की बहरी हो चुकी है सुने नहीं आता उनको, जिनकी आंखों पर मुस्लिम दुश्मनी का पर्दा पड़ा हुआ है, जो ये समझ रही है कि कानून बनाने से समाज की बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। मेरे भाई, तारीख गवाह है कि कानून सिर्फ बनाने से समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता, ना हुआ है। इंसान जो मर्द हैवान बन चुका उसको इंसान कैसे बनाया जाए, वो काम कर रहा है। और मोदी हुकूमत तलाक सलासा या तलाक बिदत के बिल्कुल तलाक के लिए कानून पार्लियामेंट में लेकर आया और झूठ कहा कि मुस्लिम खवातीन कोर्ट को गई। सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एक हिंदू बहन कोर्ट को गई और जाकर कहा कि मेरे भाइयों ने अपने मरहूम बाप की जायदाद में मुझे हिस्सा नहीं दिया, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो जस्टिस जावेद जो रिटायर हो चुके, उन्होंने ये कहा कि तुमको फैसला, तुम्हारे हक में फैसला नहीं हो सकता। और फिर 100 वोटों उन्होंने पीआईएल कर दी और कहा कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं होता और ट्रिपल तलाक का केस कर दिया। और यही वही ऑनरेबल जस्टिस दावे साहब हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं गीता को कंपलसरी कर देता, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। उसके बाद ये सिलसिला चला, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई मुसलमान एक वक्त में तलाक देता है, ट्रिपल तलाक, तो शादी खत्म नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और आर्टिकल 141 के तहत ये कानून है। मगर मोदी सरकार कानून क्या लेकर आई? सेक्शन 2 ये कहता है
बल्कि सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द ट्रिपल तलाक भी देता है तो शादी नहीं टूटती। फिर सेक्शन 4 में बोलते हैं उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। जब शादी नहीं टूटती तो सजा किस बात की? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि आप तो कानून को पानी की तरह जानते हैं, आप तो माहिर कानून है, आपके पास हर मर्ज की दवा है। आप बताइए कि आपका कानून यह कहता है कि जब शादी खत्म नहीं होती तो सजा किस बात की आप देंगे? और फिर अजीब और गरीब कानून है यह कानून, ये बिल ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेन होगी तो कोई रोड से चलता हुआ आदमी जाकर औरंगाबाद के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे सकता है, कहेगा इंस्पेक्टर साहब मैंने किसी के घर से जा रहा था, आवाज आई तालाब तालाब तालाब, तो पुलिस को कंप्लेन करना पड़ेगा और पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेगी और वो शख्स को जेल को भिजा देगी। और अगर वो शख्स अहले हदीस भी होगा, वो इंस्पेक्टर के सामने कहेगा कि मैं हनफी नहीं हूं, शाफाई नहीं हूं, मैं तो अहले हदीस हूं, इंस्पेक्टर बोलेगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, कानून है, तुम जाओ जेल। कोर्ट तय करेगा। फिर ये बिल ये कहता है कि जो जेल को जाएगा वो जेल में बैठकर अपनी बीवी को सबसिस्टेंस अलाउंस देगा। क्या कोई जेल में बैठकर अलाउंस देता है? ऐसा मर्द जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक देकर, मुस्लिम पर्सनला बोर्ड ने कहा, वो जेल में बैठकर अलाउंस देगा। और फिर ये बिल ये कहता है कि अगर सजा हो गई 3 साल की उसको, तो वो जेल से बाहर आएगा और मोहतरमा खड़े होगी कि आओ गले लग जाओ, हमारी शादी जिंदा। ये कानून कह रहा है, हंसने की बात नहीं है, बिल कह रहा है। ये बिल हम क्यों कह रहे हैं हमारी बहनों के खिलाफ है? इसलिए खिलाफ है क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में उससे पूछा जाएगा कि तूने तलाक सलासा ट्रिपल तलाक दिया, तो कहेगा नहीं एक ही मर्तबा बोला, 3 बार काम होगा। जेल को जाएगा 90 दिन का इंतजार करेगा, हिस्सा खत्म, उसके बाद उस औरत का क्या हो रहा होगा, कौन इंसाफ दिलाएगा? और क्रिमिनल लॉ में जब क्रिमिनल केस शुरू होता है तो इस हमारी बहन पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये इस बात को साबित करे कि इसने उसको ट्रिपल तलाक दिया। कौन उस हमारी बहन के रास्ते कोर्ट में आकर विटनेस के तौर पर बयान देगा? यानी मकसद क्या है इस कानून का कि मुस्लिम बच्चों को जेल में डाला जाए और मुस्लिम खवातीन को रोड पे लाया जाए? यही इस कानून का असल मकसद है। मौजूदा क्रिमिनल ट्रायल जो चलता है केसेस, अब हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं मिस्टर मोदी, 30,000 करोड़ का स्कैम हुआ 2G का, सबसे बड़ी हिंदुस्तान की एजेंसी CBI एक तो सजा नहीं दिला सकी, 30,000 करोड़ कहां गए मिस्टर मोदी? आपकी सरकार 3 साल से, CBI तो आपका तोता है, एक को सजा नहीं मिली। और आप ये समझ रहे हैं कि गांव में एक मासूम हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा? आप फैसला करना पड़ेगा आपको कि सरकार की नीयत क्या है, इंसाफ दिलाना नहीं है। इंसाफ दिलाने की बात औरत का एक बहाना है, निशाना शरीयत है, निशाना शरीयत है। हम क्या कहना चाहती हैं कि आपको अगर कानून बनाना है, हम तो कह रहे हैं कि इस कानून की जरूरत ही नहीं है। ट्रिपल तलाक मुसलमानों में बहुत कम है। आप पूछेंगे कहां से लाई ये बात, तो मिस्टर मोदी की ताईद में जो तंजीम काम करती है, भारतीय मुस्लिम महिला, जो बड़ी मोहब्बत से उनसे पेश आती है, उनका सर्वे ये कहता है, उनके सर्वे में क्या बात आई, उनके खुद सर्वे में बात आई कि 117 उन्होंने सर्वे किया था शादियों का, उसमें एक ट्रिपल तलाक, 521 का सर्वे किया उसमें एक ने SMS के जरिए ट्रिपल तलाक किया।
इनका सर्वे खुद ये कह रहा है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम मुस्लिम औरतों से हमदर्दी की बात करते हैं। मैं हमारी माँ और बहनों की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, अगर इंसाफ करना चाह रहे मिस्टर मोदी आप, तो आप एक 2000 करोड़ का एक बजट बनाओ आने वाले बजट में, और कहो कि अगर कोई मुस्लिम मर्द, किसी मुस्लिम अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक के जरिए तलाक देता है तो महाना 15,000 रुपये देंगे। आप 15 लाख नहीं दे सके, कम से कम 15,000 को दे दो मित्रों, दे दो आप। चलो 2000 करोड़ क्या बात है, आप तो बोल रहे हैं सब्सिडी खत्म करा रहे, आपका खत्म करे अब सब्सिडी, वो तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कह दिया कि मैंने खत्म कर दिया। सऊदी अरब ने कानून बना दिया कि 45 साल के ऊपर की औरत बगैर महरम के खुद को आ सकती, हमारे वजीर आजम बोले मैंने किया। कल सऊदी अरब में औरतें गाड़ी चलाएंगी, या वजीर आजम बोलेंगे मैंने किया। कल सऊदी अरब के इसी तरह के फुटबॉल स्टेडियम में खवातीन और मर्द पहली मरतबा देखकर फुटबॉल मैच देखे, हमारे वजीर आजम बोलेंगे मेरी वजह से हुआ। कल सऊदी अरब में बारिश हो गई तो मोदी बोलेंगे मेरी वजह से हुई। और फिर ये झूठ कहते हैं लोग कि नाम निहाद मुस्लिम ममालिक में यह कानून नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे सामने अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कानून की डिग्री लंदन से और वहां से लिंकन से हासिल की। मेरे साथ जो उस मुस्लिम ममालिक के बच्चे पढ़ते थे, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं हमारे पास, पीन जिसको पीनलाइज किया जाए, जिसमें सजा दी जाए 3 साल। और ये बिल की हैरत अंगेज बात ये कि अगर कोई मुसलमान इस बिल में चार्ज होगा और कोई गैर मुस्लिम दूसरे कानून में चार्ज होगा और कोर्ट उसको सजा देती है तो उसको 1 साल, मेरे को 3 साल। क्या हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, राइट की इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, हमारे वजीर आजम के पास कोई जवाब नहीं। जब मैं सवाल कर रहा था पार्लियामेंट में तो कोई जवाब नहीं इनके पास। ट्रिपल तलाक तुम्हारे कानून या तुम्हारे बिल से खत्म नहीं होगा, संघ परिवार वालों याद रखो, ट्रिपल तलाक खत्म होगा तो मुस्लिम माशरे की इस्लाह माशरा की मुहिम से खत्म होगा, ट्रिपल तलाक खत्म होगा तो हमारी माँ और बहनों की जद्दोजहद से खत्म होगा। ट्रिपल तलाक जो खत्म हो रहा है उसकी वजह यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नहीं हजारों हजारों जलसे करता है। मरकज में जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ये बड़े दावे और ऐलान किया और कर रहे हैं कि मेरे भाई, मैं आपके सामने सिर्फ यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क में दिल्ली में हमारी एक बहन निर्भया की अस्मत लूटी गई और उसका कत्ल कर दिया गया। हमने कानून बनाया कि हर कोई अगर ऐसा काम करेगा तो उसको कैपिटल पनिशमेंट देंगे। उसके बावजूद भी हर 2 घंटे में 5 खवातीन की इज्जत लूटी जाती है। कानून तो हमने बना दिया, मगर इंसान जो हैवान बना हुआ है वो इंसान बनने तैयार नहीं है।
हर दो घंटे में 5 खवातीन का किडनैप होता है। आईपीसी में नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं, मगर इंसान हैवान बनता जा रहा है। हमने कानून बनाया कि जहेज की लानत का खात्मा करने के लिए, और मेरे भाई आपको जानकर अफसोस होगा कि 2005 से लेकर 2015 तक अगर यहां से फिर आवाज आएगी, मैं क्या हो रहा है उधर, क्यों भाई शरीयत पर चले, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हमको पूरा अख्तियार हासिल है अपने पर की आवाज में।